भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। राष्ट्रीय दायित्वों का बोध कराना संस्थानों की वास्तविक सार्थकता। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में बीएड विभाग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुद्दे व चुनौतियों विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के समापन सत्र में मुख्य अतिथि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को जीवन पर्यंत उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से लड़ने में सामर्थ्यवान बनाए, नागरिकों में अच्छे व्यक्तित्व का विकास करे और उचित जीवन दृष्टि पैदा कर सके। इसके पूर्व दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षार्थियों में एकेडमिक, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल स्किल्स के साथ लाइफ स्किल्स को बढ़ाए, करियर निर्माण के साथ सामाजिक सरोकार व राष्ट्रीय दायित्वों का बोध कराना शैक्षिक संस्थानों की वास्तविक सार्थकता है। नई शिक्षा नीति इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो इन सभी उद्देश्यों की समग्रता से युक्त है। बीएचयू शिक्षा संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर पीसी शुक्ला ने बताया कि शिक्षा नीति में प्रमुख चुनौती प्राथमिक स्तर से जुड़ी है। उसके निराकरण के लिए पूर्व में बनी ट्रिनिटी व्यवस्था के अनुरूप हमें बुनियादी स्तर तक पहुँचना पड़ेगा। प्रयागराज से आए डॉक्टर प्रियंका सिंह व वाराणसी से डॉक्टर जगदीश्वर सिंह ने आमंत्रित व्याख्यान दिया। प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप नारायण डोंगरे ने अतिथियों का स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। महाविद्यालय की ओर से इनोवेशन के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर प्रतीक उपाध्याय ने सेमिनार की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाराणसी के प्रोफेसर अरविंद कुमार पांड्या ने की। डॉक्टर रणजीत सिंह व शोध छात्र छात्राओं ने अपने शोध पत्रों का वाचन किया। इस मौके पर डॉक्टर एस के यादव, डॉक्टर रविंद्र पांडेय, डॉक्टर आर के यादव, डॉक्टर कल्पना अवस्थी, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर जयसिंह यादव, डॉक्टर विष्णुकांत, डॉक्टर अमित गोयल आदि थे। संचालन डॉक्टर सर्वेशानंद धन्यवाद ज्ञापन संयोजक डॉक्टर लोकपति त्रिपाठी ने किया। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।